हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। देखिए गाइस, आज हम बनाएंगे खोआ के यानी मावा के हम रसगुल्ले बनाएंगे, ठीक है। जो कि एक हमारे व्यूवर की कमेंट भी थी कि आप रसगुल्ले बना के बताइए। तो ये हमारा 50 ग्राम खोया है, ठीक है, मावा। इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हम सॉफ्ट करते हैं फिर मिलते हैं, ऐसे करके हमको इसको सॉफ्ट कर लेना है। देखिए ये फिसल रही है प्लेट, तो हम सूती कपड़ा डाल लेंगे जिससे कि हमारी प्लेट फिसले नहीं इस पर से। तो इसको हम ऐसे रख के इसको ऐसे करके सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, हमारा सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें 1 स्पून सिर्फ मैदा डालेंगे, सिर्फ हाफ स्पून इसमें हमने मैदा ऐड करी है। अब इसको हम मिलाएंगे, ये देखिए इस तरह से करते हुए इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। और बस उतनी मैदा मिलाएंगे जितना हमारा जरूरत होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मावा था वो सॉफ्ट, ज्यादा सॉफ्ट नहीं, मीडियम का सॉफ्ट था, इसलिए हम ज्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए हमारा मतलब भर का डो था, वो जो खोया था ज्यादा सॉफ्ट नहीं था। अगर आप ज्यादा सॉफ्ट खोया आपका होता है तब आपके में मैदा ज्यादा लगेगा, और अगर मैदा ज्यादा लगेगा तो फिर उसमें बेकिंग सोडा की जरूरत होगी, और हमारी इस डो में सिर्फ 1/2 स्पून मैदा लगा है। तो इसमें हम बेकिंग सोडा नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके में मैदा ज्यादा लगता है तो आप फिर सोडा डाल सकते हैं, ठीक है। और खोया अगर टाइट सख्त ज्यादा है तो उसको कद्दूकस कर ले। हमारा सॉफ्ट था ज्यादा तो हमें कद्दूकस नहीं करना पड़ा, ऐसे ही मसलने से हो गया। तो इसको 1 मिनट के लिए और मसलेंगे सिर्फ ऐसे ही करते हुए, ताकि ये और अच्छे से हो जाए, बिल्कुल दाने दाने एकदम से जो दाने इसमें हैं वो भी फूट जाए, ठीक है, एकदम डो की तरह हो जाए। तो इसको हम करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारा हो चुका है, तो मैदे को साइड में रखेंगे और अब इसकी हम बनाएंगे बॉल्स। तो देखिए ऐसे मसलते हुए बॉल्स बनाएंगे जिससे कि इसमें क्रैक्स ना पड़े, बिल्कुल अच्छे से बॉल्स बने। एक बात और गाइस, चाशनी बनाना हमने कई बार बताया है आपको, आटे के जो रसगुल्ले बनाए थे उसमें भी चाशनी बनाना बताया था अच्छे से। आप लोगों का इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इंड स्क्रीन में दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमने चाशनी पहले से ही बना के रख ली है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट चिकनी बॉल बन रही है, तो इसी तरह से सारी बॉल्स बना के हम रख लेंगे। ये देखिए अंदर का स्टिपिंग करनी है, तो आप कोई ड्राई फ्रूट, कोई मेवा या फिर कोई भी चीज रख सकते हैं, जैसे शक्कर, चीनी या मिश्री, कुछ भी, ठीक है। तो हम कुछ नहीं रख रहे, हम सादे बना रहे हैं। तो इस तरह से हम बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। देखिए गाइस, 8 से 9 बन के तैयार है रसगुल्ले हमारे, ठीक है, 50 ग्राम खोए से। और ये छोटू सा बना के रखा है क्योंकि सबसे पहले इसी को डालेंगे, ठीक है। और एक बात, अगर आप स्टफिंग करना चाहते हैं किसी चीज की, मेवे की, तो आप पहले एक छोटू सा बना के ऐसे डाल के देख लें ऑयल में, अगर फटे नहीं तभी स्टफिंग करके बनाए, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना अगर फटने लगेंगे तो आप स्टफिंग भी मिल जाएगी तो नहीं सही बनेगा। तो आप एक इस तरह से छोटू सा बना के देख लें, अगर ऑयल में डालते हुए फटेगा तो हम उसमें मैदा थोड़ा सा और मिला लेंगे, और 50 ग्राम खोए में 1/2 स्पून से 1 स्पून तक मैदा ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 1 स्पून से ज्यादा अगर मैदा ऐड करते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा हमें डालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा घी हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम एक छोटी सी बॉल डाल के देखेंगे, अगर ये हमारी फटती नहीं है तो हम सारे ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, जितने हमारे इसमें आ जाए अच्छे से, ठीक है, उस हिसाब से। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल नहीं फट रही है बॉल्स, ये देखिए ऊपर आ गई है। और इतनी धीमी फ्लेम पर हम अब ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे, और एक बार में जितने हमारे आ जाएं बस उतने ही हमको ऐड करने हैं, बिल्कुल ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, और इनको हाथ भी नहीं लगाना है अभी तक, ठीक है। अगर हिलाना है तो हम ऐसे ऐसे करके हिला देंगे, बट हाथ नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे पकाते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए ऐसे करते हुए हमें हल्का हिलाना है, चम्मच बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि इस टाइम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट फटने का बहुत चांस रहता है, ठीक है, रसगुल्लों का। इसलिए हम ऑयल को रोटेट करेंगे बस, और हम किसी चीज को छेड़ेंगे नहीं, तो इनको
कोशिश ये करें मीडियम साइज की बॉल बनाएं और धीमी फ्लेम पर पकाएं। ये देखिए गाइस हो चुका है, हमको बस इतना ही चाहिए है, तो हम एक एक करके धीरे से निकालेंगे जिससे कि हमारे टूटे नहीं फटे नहीं, ठीक है। और एक चीज गाइस, आपको थोड़ा सा और कलर डार्क चाहिए हो तो आप कर सकते हैं, बट हम इतना ही डार्क करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना फूल कर कितने बड़े हुए हैं रसगुल्ले हमारे। अब इनको क्या करेंगे, हम तुरंत निकाल कर गर्म चाशनी में ऐड करेंगे। ये देखिए गर्म चाशनी है, इसमें हम ऐड कर देंगे अपने रसगुल्लों को, ठीक है, अच्छे से। ये देखिए बस इनको भीगने देंगे, अब चलते हैं दूसरे बनाते हैं। ये देखिए गाइस ऑयल तेज हो गया था इसलिए धीमा कर दिया, फिर और डाल ले हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक बार में जितने आ जाए बस उतने ही ऐड कर ले हैं। इनको भी भून लेते हैं फिर मिलते हैं। देखिए गाइस ये बैच भी हो चुका है हमारा, ठीक है, तो हमने फ्लेम बंद कर दी है और अब इसको भी एक मिनट के बाद हम निकाल के उसी में ऐड कर देंगे। तो देखिए एक भी हमारा फूटा नहीं है, तो आप बस यही करें कि 50 ग्राम खोए में एक से दो स्पून कर सकते हैं, ठीक है। हमने तो हाफ स्पून डाल एक स्पून डाला हुआ है, ठीक है, मैदा आप दो स्पून तक कर सकते हैं। और दो स्पून मैदा करने के बाद एक चुटकी बेकिंग सोडा जरूर डाल दें। हमने एक स्पून मैदा डाला है इसी वजह से हमने बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में और गर्मा गर्म चाशनी में ऐड कर देते हैं। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, फूल के हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। और एक चीज हम आपको दिखाते हैं, तो ये हमारे चाशनी में डिप करे हुए हैं रसगुल्ले, कितने बड़े दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये फूल का इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो अब इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए कितना, ये देखिए इधर के जो चार हैं ये हमने पहले ही डाले थे, तो ये लगभग भरे भरे लग रहे हैं। जो ये अभी डाले हैं वो 5 मिनट में भर जाएंगे। देखिए आधे घंटे 20 मिनट रखने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। चलिए इनको सर्व करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितने चाशनी से भरे हुए हैं। देखिए गाइस इनको अब हम सर्व करते हैं अपने इस बाउल में, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस इनको हम सर्व करते हैं। ये देखिए अभी हमने बिल्कुल डाले थे, एकदम सिर्फ सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल फूल गए हैं। ये देखिए ये देखिए गाइस हमारे कितने भरे भरे कितने प्यारे लग रहे हैं रसगुल्ले। और ये काट कर भी एक दिखाएंगे। ये देखिए कितना ज्यादा भरा हुआ रसगुल्ला आपको दिख रहा होगा चाशनी से, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम से। खा के दिखाते हैं, सच में मजा आ जाएगा, बिल्कुल बहुत 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 है, क्योंकि हमें आप सब जानते होंगे कि हमें मीठा बहुत पसंद है, तो हमसे तो रुका नहीं जा रहा है, इतना टेस्टी इतना यम्मी। तो आज की हमारी ये रेसिपी, भरे भरे जूसी रसीले रसगुल्ले, और आप ही बनाइए अपने घर में इस होली, बहुत प्यारे बहुत यम्मी। अब बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 मिनट आपको रखना पड़ेगा और आपके रसेदार अच्छे से रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एक बार और गाइस आप लोग हमारा कम्युनिटी टैब जरूर चेक करें, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ दो गुड न्यूज हैं जो कि मई में आने वाली हैं, ठीक है, वो गुड न्यूज हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। उसके चक्कर में हो सकता है कि एक दिन या दो दिन छोड़कर वीडियो आए, क्योंकि उसमें तैयारी भी हमको करनी है, बड़े हैं हम इसलिए, तो इसलिए अगर एक दो दिन वीडियो ना आए तो उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए अपनी खुशियों में आप सबको भी शामिल करें, क्योंकि आप लोग आफ्टरऑल हमारी फैमिली बन चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।